बात करेंगे दोस्तों हरियाणा सीईटी के आंसर की के बारे में और हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं आंसर की, दोस्तों आंसर की जो है एसएससी के अंदर भी जो है एनटीए एग्जाम लेती है, तो एनटीए जो है 10 से 12 दिन में जो है आंसर की दे देती है। ठीक है, तो यानी कि 5 और 6 को आपका एग्जाम हुआ है, तो अगर हम 10 दिन इसके अंदर ऐड करें तो लगभग 15-16 यानी कि आपकी जो आंसर की दोस्तों वो 16-17 नवंबर को जो है आ जानी चाहिए। ठीक है, वो ऑनलाइन की देती है, लेकिन आंसर की तो मुझे लगता है कि ऑफलाइन की भी ऐसे ही दे देगी। तो यानी कि 16-17 नवंबर को जो है आपकी आंसर की जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका रिजल्ट जो है, रिजल्ट के बारे में ऑलरेडी चेयरमैन साहब ने बता रखा है कि जो रिजल्ट जो है भाई दिसंबर के 15 दिसंबर तक संभावना बता रखी है, तो 15 दिसंबर नहीं तो हम मान के चलेंगे दिसंबर एंड तक जो है रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात चल रही दोस्तों कि 4 गुना वाला सिस्टम जो है, 4 गुना वाला सिस्टम अभी लागू है। 9 जनवरी 2023 कोर्ट में हियरिंग चल रही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 9 जनवरी से पहले तो कुछ नहीं होना, उसके बाद पता लगेगा कि क्वालिफाई नेचर करेंगे कि क्या करेंगे। ठीक है, अभी तक 4 गुना वाला सिस्टम लागू है। तो दोस्तों सेकंड पेपर की अगर मैं बात करूं, सीटी को पहला पेपर को आपको बता कि पहले पेपर के बेस पर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, पहला पेपर सिर्फ जो है अगले पेपर में बैठने के लिए क्वालिफाई नेचर है। ठीक है, तो सेकेंड पेपर दोस्तों कब से स्टार्ट होंगे, ये फरवरी के बाद से स्टार्ट होंगे दोस्तों। ठीक है, फरवरी के बाद से स्टार्ट होंगे, यानी कि मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे ये दो है, धीरे 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 पेपर अलग अलग कैटेगरी वाइज लेते रहेंगे। कभी हरियाणा पुलिस का ले लिया, कभी एक्साइज इंस्पेक्टर का ले लिया, कभी किसका, जिस चीज की कॉमन कॉमन एलिजिबिलिटी है उस उसका वो लेते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का अगर मैं मेथड की बात करूं तो इक्वी परसेंटाइल वाला फार्मूला जो इसके अंदर यूज करेंगे, जो कि हरियाणा पुलिस के अंदर यूज किया हुआ है और जिसके ऊपर विवाद भी चल रहा है, पिछले एक साल से इसी फार्मूले के ऊपर विवाद चल रहा है। क्यों चल रहा है, इक्वी परसेंटाइल का दोस्तों फार्मूला तो सही है, फार्मूले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे ये जो एक्स्ट्रा नंबर ऐड करते हैं ना हम, उसके बाद जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि पॉइंटों से जो है, वो भी ज्यादा नहीं, पॉइंटों से जो है उसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और पॉइंटों से जो कैंडिडेट 50, 100, 200 जो कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं पॉइंट में से। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसके अंदर प्रॉब्लम रही है एक्स्ट्रा नंबर ऐड करने के बाद, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो लगेगा क्योंकि 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है। ठीक है, किसके कितने नंबर बढ़ेंगे उसकी दोस्तों कट ऑफ की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप देख लेना कि सीटी का आखिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। तो दोस्तों ग्रुप डी के बारे में बात करें, जिसका पेपर दोस्तों खराब हुआ है, 50 से नीचे नंबर हैं अभी तक की अगर बात करूं, तो दोस्तों वो ग्रुप डी की अपने जो तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर देंगे, ग्रुप डी का सिलेबस भी यही रहने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूं कि ग्रुप डी का जो ये आई थी कि ग्रुप डी का पेपर फरवरी में संभव, तो दोस्तों फरवरी में तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ग्रुप डी का पेपर फरवरी के अंदर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो है सीएम साहब ने कहा था कि ग्रुप सी के 6 माह बाद होगी ग्रुप डी की परीक्षा, यानी कि जब इन वैकेंसियों को फिलअप कर लेंगे ना तभी तो ग्रुप डी की लेंगे, अब नहीं तो ऐसे मिक्सअप हो जाएगा सब कुछ है। ठीक है, ग्रुप डी का वाला लगेगा कि ग्रुप सी वाला लगेगा। ठीक है, ग्रुप डी क्योंकि इसका कारण एक और भी है, इसका कारण ये भी दोस्तों क्योंकि इलेक्शन है 2024 के अंदर, अक्टूबर और के अंदर 2024 में इलेक्शन है, तो यानी कि इसके बाद दोस्तों सीटी एक और लेना और उसके अंदर सारी पोस्टों को फिलअप करना, हो सकता है कि एग्जाम ले लें, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं अक्टूबर 2024 से कोई एग्जाम नहीं होगा, हो सकता है कि सीटी का एक पेपर हो जाए, लेकिन इतना जल्दी नहीं क्योंकि ज्वाइनिंग भी हो जाए। ठीक है, सिर्फ उसको पेपर लिया जा सकता है, तो यानी कि जो ज्वाइनिंग होनी है वो इसी सीटी के बेस पर होनी है, तो दोस्तों इसी सीटी के ऊपर बेस के ऊपर ज्वाइनिंग होनी है, तो ग्रुप डी एक बड़ी पोस्ट है, यानी कि 18,000 जिसके अंदर वैकेंसी आनी है। ठीक है, यानी कि बड़ी पोस्ट का मतलब बड़ी वैकेंसी की पोस्ट है। ठीक है, तो 18,000 दोस्तों उसके अंदर वैकेंसी है, तो मुझे जो लगता है भाई गवर्नमेंट ये चाहेगी कि जो ग्रुप डी की परीक्षा है वो ग्रुप सी की भर्तियों, मैक्सिमम भर्तियों के बाद ही शुरू करे। ठीक है, जो कि जुलाई, जून जुलाई में लग रहा है मुझे, जून जुलाई के बाद ही, अगस्त सितंबर तक भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू करते रहें। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि उससे पहले अगर आपके नंबर कम है तो एसएससी जीडी का दोस्तों फॉर्म निकला हुआ है, एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर 18 से 23 साल की उम्र है, 10वीं पास आप होने चाहिए।
ठीक है, उसकी उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपना एसएससी से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए एसएससी ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से यूट्यूब चैनल है, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सभी तरह की पोस्टों के बारे में आपको बता दिया जाता है। एसएससी सीजीएल का पेपर आपको पता है दोस्तों 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक है, और जो एसएससी जीडी का मैंने आपको बताया कि उसकी जो परीक्षा दोस्तों वो जनवरी 2023 में होनी है। और सबसे आसान परीक्षा अभी एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है, 100 के अंदर से 30 नंबर पे कट ऑफ गई है। 30 नंबर दोस्तों आपको किसको कहते हैं, ठीक है, 100 में से 30 बिल्कुल इजी लाने, तो 30 नंबर वाला भी नौकरी लग गया। तो यानी कि आप ये मत समझे कि सिर्फ आप हरियाणा सीटी के पीछे ही पड़े रहो, अगर आप उसमें फेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरी तरफ भी जाइए, उसका सिलेबस भी यही है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि जो है आप अपने जो सही चीज़ें हैं उसके बारे में ध्यान देखें, ठीक है, और सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और एसएससी सीटी ऑफिशियल अपना यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सीटी से हर अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।